हेलो एवरीवन, मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू चैनल के ऊपर। तो अभी ना अभी मैंने सोचा, अभी आज कोई ब्लॉग बनाने का मूड नहीं था क्योंकि ऑलरेडी पहले के ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो अभी अभी मेरा पार्सल रिसीव हुआ है। ये ब्लॉग एक्चुअली जितने भी पार्सल आएंगे उसके बाद ये ब्लॉग खत्म होगा। अभी यहाँ सिर्फ एक आया है तो इसको मैं दिखा देती हूँ। ये सुबह के लिए मैंने मंगवा के रखा था। क्या मंगवाया है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और क्या रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ पर मैं दिखा दूंगी, ठीक है। तो देखने में तो बहुत अच्छा था, मतलब सुबी के लिए ट्रैक सूट टाइप में ही बोलो वही था, और गर्म लग रहा था लेकिन मुझे बहुत हल्का लग रहा है। ये पार्सल पता नहीं क्या रिसीव हुआ होगा, मीशो से मैंने मंगवाया था ये। हाँ जी, क्या हुआ, आर यू एक्साइटेड? ये एक्साइटमेंट कहीं थोड़ी देर की नहीं हो सुबी, है ना? ये एक्साइटमेंट कहीं थोड़ी देर की ना हो। डर गया शिवा? ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, दिस इज वॉट। ये क्या है सुबी, अभी देखते हैं क्या। ये मुझे कॉटन का लग रहा है पूरा। वैसे कॉटन का तो इमेज तुम्हें तो कॉटन का बिल्कुल नहीं था, इमेज में तो गर्म लग रहा था। और ये हैवी साइज, एक्चुअली एक साइज थोड़ा सा छोटा है सुबी, पता है आपको? ये पूरा साइज नहीं। मैं अभी पहनूंगी। हाँ तो अभी पहन लेना, ये घर के लिए मंगाया है। मंगवाया तो घर के लिए ही है। वैसे लगता है आपको पूरा होगा, क्यों गर्म लग रहा है? है, थोड़ा छोटा गर्म होगा। है ये। हाँ ये वाला, ये देखो, ये इसका पजामा है, मतलब अजी है ऊपर का। ये इसका हुडी। ये तो सेम वैसा लग रहा है सुबी, उतना उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने सोच के रखा था। गर्म ही है बट गर्म तो नहीं है इतना। हाँ थोड़ा ठीक ही लग रहा है, वैसे सो सो लग रहा है। वैसे मैंने तो सोचा था कि थोड़ा मोटा जैसा होगा। ये है 545 का था ये शायद। हाँ और ये इसका पजामा, ये एक्चुअली इसका साइज नहीं मिल पा रहा था, मतलब 10 to 11 ईयर नहीं था, 10 साल की कंप्लीट हो गई है, 9 to 10 था, तो मैंने वही मंगवा दिया। पता नहीं आपको हो जाएगा क्या। ये देखो जरा, सबसे अच्छी चीज़ बता क्या लगी थी मुझे, क्यों मंगवाया था, ये कान इसके बहुत सुंदर लग रहे थे। वैसे कॉम्बिनेशन भी इसका काफी अच्छा है ना। चलो एक बार वियर करके दिखा दो इसको, वियर करके कैसी लग रही है सुबी। वैसे पूरा हो गया ना, थोड़ा थोड़ा छोटा लग रहा है इसको, ये जो पजामा है ठीक ही लगा मुझे। सो सो मिसु ने जो बताया वही दिया। बस हल्का सा ये है कि वैसे कुल मिला के अच्छा है मटेरियल, मतलब 500 कुछ रुपए में अगर ऐसी चीज मिल रही है तो फुल पैसा वसूल है। ये टोपी तो पहन ले, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइट हो गया था, गले से आ नहीं रहा था क्यों सुबी। हुडी इसका ये बाहर से निकाल दी इन पोनियों को, ऐसे आगे को दोनों को। रुको अब करो, पर क्योंकि एक ये साइज प्रॉब्लम छोटा होगी, मंगवाया था एक मैंने प्रॉब्लम और होगी, साइज कान था नहीं नहीं होंगे इसमें ऐसे खड़े, अवेलेबल। जैसे उस वीडियो में जैसे कान खड़े हाँ वैसे नहीं होंगे। ये डॉगी डॉगी ये कान की तरह से देखो झुके हुए। साइज अवेलेबल नहीं था इसमें ना, तो करके फिर मैंने 9 to 10 यार मुझे मंगवाना। इसके रुको एक शीशे मिनट में एक मिनट, वहाँ फिर मेरे थैले भी आपको दिखेंगे जो घर के लिए मैंने पैक किए हुए हैं। हाँ वाह सुंदर लग रहा है वैसे, है ना? कुल मिला के अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा छोटा हो गया साइज और बाकी सब कुछ ठीक है। दिखाओ क्या सीखी सीखी सो, इधर देखो ये असली कैटी लग रही है अब तो। मॉर्निंग, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। देखो अभी सुबह सुबह ना, मैंने आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे मौसम के नज़ारे। इतनी फॉग है, इतनी ठंड है, मतलब सुबह ना हाथ ऐसा लगता है बर्फ बन गए। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के अभी आ रही हूँ, इसके बाद मैं जाऊँगी हमेशा की तरह दूध लाने। तो इसके बाद ना मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि इसके बाद अभी आप देख रहे हो कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मंडी में, शिवा की तबीयत खराब है। शिवा गुड आफ्टरनून, मंडी मार्केट में लोकल स्ट्रीट फूड का एंजॉय करते हुए मैडम हो गए हैं बीमार, और ताकि मैं ब्लॉग में नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा हौसला फजाई, थोड़ा सहारा दिया जाए। दिन का तो नहीं है मूड, पर गाड़ी हमने कर नहीं पा रही है जैसे पार्क, और अभी हम जा रहे हैं इंदिरा मार्केट, माडम हॉस्पिटल और कुछ जाएगा। तो शिवा का चेकअप हो गया था, उसके बाद हम आ गए थे। पतिदेव ने बोला कि अगर तू पैदल चल सकती है, मतलब ऐसे क्या होता है जैसे मैं अकेली होती हूँ तो फिर
वहीं से ही ऑटो पकड़ूंगी हॉस्पिटल से और सीधा बस स्टैंड। तो अभी हम जैसे दोनों साथ में थे गाड़ी में आए थे तो बोलते, और गाड़ी आगे पार्क करने को जगह नहीं होती तो फिर गाड़ी पीछे ही पार्क करनी पड़ती है, फिर वहाँ से हमने ऑटो लिया। तो अभी हम आ गए हैं, शिवा का चेकअप भी हो गया है। तो उन्होंने बोला अगर पैदल चल सकती है तो फिर हम मंदिर जाएंगे, क्योंकि हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो ये भूतनाथ मंदिर है मंडी का, बहुत सारे ब्लॉग में आपने देखा होगा। जब भी पति देव के साथ जैसे गाड़ी में आते हैं तो फिर मैं यहाँ पे जाती हूँ, अकेली होती हूँ तो फिर नहीं जा पाती। तो बस भोलेनाथ का मंदिर है ये, बाहर नंदी की बड़ी सी मूर्ति है और यहाँ पे, और ये मंदिर ना काफ़ी पुराना मंदिर है। इसमें पूरा आप देखोगे तो पत्थर का ही ये पूरा मंदिर है, पत्थर की पूरा, पत्थर पे ही पूरी नक्काशी हुई है। और ये मंदिर के पुजारी हैं जिनके साथ बैठ के हमने शिवा को धागा वगैरह भी बंधवाया था। और मंदिर में इतनी बार आए हैं लेकिन इस मंदिर की परिक्रमा ना पहली बार कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मुझे पता लगा कि पीछे जैसे शिवलिंग पे दूध चढ़ता है ना, वो पीछे निकलता है, और ये शिवलिंग का जो दूध, चढ़ा हुआ दूध है ना, वो आँखों पे ज़रूर लगाना चाहिए। कहते हैं कि इसको आँखों पे लगाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। और इनके पीछे आप चाहे जो मर्जी बोलो लेकिन इनके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं जो हमारी तो इसके बाद अभी हम आ गए थे घर। और सच्ची बात बताऊं तो ये इसके बाद मैं, पता कितने 3-4 दिनों के बाद मैं शूट कर रही हूँ ये ब्लॉग, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी उस टाइम भी। मैं मतलब पति देव बोल रही थी कि तू ब्लॉग शूट नहीं कर रही, ब्लॉग नहीं बना रही है, ब्लॉग नहीं बना रही है। तो वो देख, हालांकि वो चाह रहे थे कि इस बहाने इसको थोड़ा सा लगे ठीक फील होगा, लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मेरे मतलब हाई फीवर था। हुआ क्या, पूरी स्टोरी आपको सुनाती हूँ, लेकिन गला अभी भी बहुत खराब है। एक बिस्किट लो। शिवा यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको मैं भी अभी स्कूल से लाई हूँ। और आप बोलो कि पति देव कहाँ है, तो वो भी यही है अभी। अभी वो गए नहीं है ड्यूटी, वो किसी काम से गए हुए हैं बाहर। तो अभी ये भी बेटर फील कर रहा है। सबसे पहले क्या हुआ कि मतलब आज है वीरवार, तो पिछला जो शुक्रवार है, मतलब पिछले फ्राइडे को इसको रात को फीवर आया। रात को फीवर आया तो फिर अगले दिन मैंने रात को इसको दवाई दे दी, फिर सुबह भी मैंने इसको दवाई दे के स्कूल भेज दिया। फिर शाम के टाइम मैं ले गई थी इसको यहाँ लोकल हॉस्पिटल में, वहाँ पे मैंने इसको दवाई वगैरह ली। और फिर बट इसका फीवर नहीं उतर रहा था, इसको फीवर ठीक था, मतलब 102-103 फीवर था इसको, तो इसका फीवर नहीं उतर रहा था फ्राइडे रात को। तो फिर क्या हुआ कि फ्राइडे को नहीं, आज वीरवार रात से इसको फीवर था। तो फ्राइडे को भी मैं इसको चेकअप ऊपर ले गई थी जैसे हॉस्पिटल में, सुंदरनगर का जो लोकल हॉस्पिटल है, तो वो दवाइयाँ खिलाई, लेकिन उसे बिल्कुल भी इसका फीवर नहीं उतरा, जैसे का तैसा ही रहा। मैं 3 घंटे वेट किया, 4 घंटे वेट किया, लेकिन इसका फीवर बिल्कुल नहीं उतर रहा था। हाँ ले लो, एक लेना ठीक है। तो उसका फीवर बिल्कुल नहीं उतर रहा था। तो उसके बाद फिर कुछ मैंने पट्टियाँ वगैरह भी रखी इसको, और फिर जो मंडी से एक दवाई थी फीवर की मेरे पास, फिर 4-5 घंटे 5 घंटे ही मैंने वेट किया, उसके बाद मैंने वो मंडी वाली दवाई इसको दी थी। उसके बाद इसका फीवर थोड़ा सा उतरा, फिर इसका फीवर ही नहीं उतर रहा था। जैसे एक दो घंटे आराम रहेगा, उसके बाद इसको फिर से फीवर आ रहा था, हाई फीवर। तो मेरे दिमाग में बस यही बात थी कि कहीं इसके, क्योंकि आपको पता ही है कि छोटे बच्चों के दिमाग में ना फीवर नहीं चढ़ना चाहिए, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो कोई भी, लेकिन छोटों को ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ये। तो बस वही मैं भी सोच रही थी। और उसके बाद अगले दिन ले गई इसको, शनिवार को इसको मंडी ले गई हॉस्पिटल। लेकिन शनिवार को क्या हुआ कि सुबह जैसे मेरे को बहुत ठंड लग रही थी, मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या, जैसे बहुत ठंड है, बर्फीली हवा चल रही है, उसी हिसाब से मुझे ठंड लग रही थी। तो मैं बस में भी बैठी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये खिड़की क्यों खोल रहे हैं बार बार, ऐसा लग रहा था ठंडी हवा में से इतना कांप रही थी ऐसे, और खांसी आ रही है बार बार, बोला नहीं जा रहा। तो उसके बाद फिर मैं चली गई, फिर मुझे पता लग गया था कि मुझे भी फीवर है, क्योंकि मुझे फीवर ऐसे कम आता है लेकिन आता है तो फिर बहुत आता है। तो फिर ले गई इसको, इसका चेकअप वगैरह करवाया, तो इसको डॉक्टर ने बताया कि इसका गला बहुत खराब है, इसका गला बहुत दिक्कत रह रही है, इसका गला खराब हो रही है। यहाँ पे इसको गिल्टी वगैरह भी आ गई थी, गांठे आ गई थी। तो फिर वहाँ पे चेकअप करवाने के बाद आ गए हम वापिस से, और वापिस से जब आई तो मुझे मतलब ठीक लग रहा था ना, मेरी टांगे चल रही थी ना कुछ नहीं। उसके बाद मैं आकर के सो गई थी, और उस दिन पतिदेव भी घर आ रहे थे,
उनको वो आए हैं एक्चुअली अपनी कंपनी अपनी काम से आए हुए हैं, वो इधर छुट्टी नहीं आए हुए, काम से आए हुए हैं, तो उनको वो काम करवाना था। फिर घर से मम्मी जी आ गए उसी दिन, उन्होंने देखा कि इसकी तबीयत खराब है, क्योंकि सुबह स्कूल से आई तो सुबह की तबीयत भी उसकी भी बहुत खराब थी, उसको भी फीवर हो गया था, मेरे को फीवर हो गया था, और शिवा तो था ही ऑलरेडी बीमार, तो इतनी परेशान हो गई। और फिर उस दिन शाम को मम्मी जी आ गए थे घर से, और उस दिन से मैं लेटी रही हूँ, वो दिन निकल गया। फिर मेरे से ऐसा है कि मेरे खाना खुना भी मेरे से छूट गया, मेरे से खाना भी नहीं खाया गया, और फिर मुझे साथ में वॉमिट भी लग गई। फिर वॉमिट लग गई तो जो वॉमिट, उसमें थोड़े से ब्लड के रेसे भी आने लगे थे, जिससे मुझे डर भी लगने लगा। जैसे ज़्यादा वॉमिटिंग तो नहीं होगी, लेकिन दिन के जैसे 2 बार हो जाएगी मुझे वॉमिट। और उसमें क्या था, कई बार तो जैसे कड़वा पानी वो निकलता, वो निकल रहा था, पीली वाली उल्टी हो रही थी, बस पानी निकल रहा था और कुछ नहीं। और एक जो पानी के जैसे हो रही थी, उसमें पता चल रहा था कि ब्लड के रेसे आ रहे थे, तो उसे थोड़े से मैं डर भी गई। फिर उसके बाद दवाई जैसे पैरासीटामोल मैं खा रही थी, तो उसके बाद फिर से मुझे फीवर आ रहा था। तो वही था, पति देव ने फूल साथ दिया, उन्होंने बच्चों को तैयार किया, जैसे खाना वगैरह भी बनाना और बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना। तो मैं देख रही थी उनको बहुत काम हो रहा था, क्योंकि उनको आदत नहीं है ऐसा काम करने की। तो बस फिर 3-4 दिन सोने के बाद अभी मैं उठी हूँ, कल से मेरे को फीवर नहीं है, तो कल से, लेकिन वीकनेस मेरे को बहुत लग रही है अब भी। मैं ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने को ही आया, तब तक बीमार थी, अब जैसे आज वीरवार हो गया, तो बस अभी थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, लेकिन वीकनेस बहुत है, अभी चला नहीं जा रहा उतना। तो आप सोचा कि जो ब्लॉग बनाया था उसको ख़त्म कर देती हूँ, बाकी आप सबने बोला कि गेट वेल सून, और सब बोल रहे थे कि आप घूमने गए, उस वजह से भी हो सकता है, उस वजह से भी, लेकिन उसके 10 घूमने घूमने गए हम, उसके 10 दिन के बाद हम बीमार पड़े हैं, हो सकता है वो भी, लेकिन इसका गला खराब था तो फिर ये बीमार हुआ, तो इससे मेरे को हो गया, शुभी को हो गया, जैसे सोना तो हम सभी ने एक ही बेड पे साथ में, तो ऐसा हो जाता है। सो चलिए अभी ठीक है, शुभी भी ठीक है, और ये भी ठीक है, इसको भी नहीं है फीवर, इनको भी परसों तक फीवर था हम सभी को, तो लेकिन चलिए भगवान की दया से अब सब ठीक है, अब सब ठीक होने चाहिए। और शुभी के पापा भी ठीक हैं अभी, उनको नहीं हुआ है, और इनकी आमा को हो गया है, वो 1 दिन यहाँ पे रहे, उनको भी हो गया है। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग इंजॉय किया होगा, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।